पिछली क्लास में बेटा हमने क्लास 6.2.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। हमें इनका सुटेबल रीअरेंजमेंट करके सम निकालना है। सॉल्यूशन फर्स्ट ए 37 प्लस 633 प्लस 208 क्या सुटेबल होगी इसमें। 7 और 3 कितने हो गए 10, 10 और 8 कितने हो गए 18। 1 क्या आ गया कैरी आ गया। 3 और 1 4 4 और 6 10 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आ गया 0। 1 कैरी आ गया 8 और 1 9 9 और 3 12 है और 2 कितने हो गए बेटा बस बी देखो क्या सुटेबल अरेंजमेंट करें बेटा 2 3 8 7 भाई इस इन दोनों को पहले ले लेते हैं। 10 हो जाएगा बस इतना ही है कुछ नहीं है। सुटेबल अरेंजमेंट सिंपल भी कर सकते हो आप लेकिन क्वेश्चन में कह दिया आपको मल्टी ऐड आते हैं आपको क्वेश्चन में कह दिया कि नहीं भाई ऐसा करो कि जिससे आपको ये सुटेबल रहे। पहले 4 डिजिट लिख लेंगे दोनों 2 2 3 3 लिख लेंगे देखो बेटा 2 और 8 2 और 8 10 10 और 3 30 13 और 7 0 2 कैरी हो गया 6 और 2 8 8 और 3 11 11 और 5 16 16 और 4 20 2 कैरी हो गया बेटा 9 और 2 11 11 और 5 16 16 और 4 20 20 और 6 26 2 कैरी हो गया 2 और 1 3 3 और 1 क्या आ गया बेटा क्लियर है लिख लो। सेकेंड है इसका बेटा फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। हमें इसमें क्या निकालना है बेटा प्रोडक्ट निकालना है मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट है इसका ये देखो इसमें क्या करेंगे अगर 2 और 50 को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा इजी रहेगा हमें 52 क्या 100 1768 किसी भी डिजिट को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट में क्या आ जाता है बेटा 20 हो गया। सेकंड देखो इसी का 4 × 1 × 66 × 25 इसमें भी देखो 4 और 25 को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 166 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा बेटा 100 × 1 × 66 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 लग जाएंगे। थर्ड देख इसका 8 × 291 × 125 इसको भी 8 × 125 × 291 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 8 × 44 कैरी आ गया 8 × 2 = 16 और 4 = 20 2 कैरी हो गया 8 × 2 = 10000 हो गया बेटा। अब किसी भी डिजिट को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो लग जाएंगे 3। अगर हम इसको इससे कर दें इसको इससे कर दें इतना टाइम लगता है बी 625 × 279 × 60 इसमें भी क्या होगा बेटा 625 × 16 279 16 से मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 16 × 5 = 80 0 8 कैरी हो गया 16 × 2 = 32 32 और 8 = 40 0 4 कैरी हो गया 69 × 96 96 और 4 कितने हो गए बेटा 196 और 4 कितना हो गया 100 मल्टीप्लाई 279 कितने जीरो है बेटा 40 है तो प्रोडक्ट में कितने जीरो लग जाएंगे क्लियर है। ई देखो बेटा इसका 285 × 5 × 7 अब यहाँ देखो अगर पहले में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो या इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों ही कंडीशन में से
सेम सी बेटा मैंने डिजिट गलत लिख दी है, 12 मल्टीप्लाई बाय 60 है, क्या बेटा यहाँ पे 60 है। अब देखो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या 285 मल्टीप्लाई 065 क्या 0053 क्या 50 बन गया आ गया, 83 क्या 24 और बन क्या आ गया 25, 2 गए आ गया 32 क्या 6 और 2 कितने हो गए बेटा 8। देखो बेटा इसी का 124 सॉरी 125 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 8 और मल्टीप्लाई बाय 20। देखो बेटा इसको ए मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 40 और मल्टीप्लाई बाय 25 एट या 200 मल्टीप्लाई बाय 40। अब 200 का 8 से 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 कितने जीरो आ गए बेटा 30 आ गए मल्टीप्लाई बाय 25 30 8 5 जा 40 4 कैरी हो गया 8 जा 60 और 4 20 2 कैरी हो गया 8 में 8 और 2 10। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा इसका थर्ड क्वेश्चन लिख दो इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग की वैल्यू निकालनी है बेटा। फर्स्ट है इसका 297 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 297 मल्टीप्लाई बाई 3। अब देखो बेटा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। 297 मल्टीप्लाई बाई 7 70 297 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 297 दोनों में से कॉमन है, यहाँ से क्या आ गया बेटा 70 और यहाँ से क्या आ गया 297 मल्टीप्लाई 70 और 3 कितने हो गए बेटा 40। सिंपल 0 जा 14 बन गया, ये हो गया 9 जा 18 और 1 19 बन गया, ये आ गया 2 जा 4 और 1 क्या आ गया बेटा बी 5,4,2,7,954,279 मल्टीप्लाई बाई 92 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाई 54,279। यहाँ भी देखो बेटा ये दोनों डिजिट मल्टीप्लाई में है, ये दोनों डिजिट मल्टीप्लाई में है और 54,279 दोनों में कॉमन है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 54,279 यहाँ से आ गया 92 और यहाँ से क्या आ गया 54,279 मल्टीप्लाई 92 और 8 कितने हो गए बेटा 100। किसी भी डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने जीरो हो जाएंगे 2 जीरो। सी इसका बेटा 81,265 मल्टीप्लाई बाई 169 माइनस 81,265 मल्टीप्लाई बाई 69। अब देखो बेटा माइनस है कोई बात नहीं, यहाँ इन दोनों में 81,265 कॉमन है तो क्या आ जाएगा 81,265 यहाँ से 169 माइनस यहाँ से क्या आ गया 69 81,265 मल्टीप्लाई 169 में से 69 सब्सट्रैक्ट करेंगे